नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा इंस्पायर टू हिंदी से। और आज की टेक न्यूज की शुरुआत करते हैं एक ग्लास पानी के साथ। सर्दी में भी पानी का मजा अलग ही है। तो आज की सबसे पहली न्यूज जो उभर के आ रही है वो ये है कि हुआवे का P30 फोन जो है उसके नए नए कैड रेंडर्स बाहर आ चुके हैं। 91 मोबाइल्स वालों ने सबसे पहले ये रेंडर्स डाले हैं, उन्होंने टाइटल में एक्सक्लूसिव का भी प्रयोग किया है और इसी न्यूज़ को काफ़ी सारे अन्य लोगों ने भी अभी तक फैलाया है। रेंडर से ही पता चल रहा है कि उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। अब तक 3.5 mm जैक जो है वो इस फ़ोन में है और इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर 38 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 3 रियर कैमराज होंगे और ओवरऑल मतलब एक काफ़ी जानदार फ़ोन होने वाला है, कुछ समय में जल्द ही बाहर आने वाला है। इसके अलावा जो अगली टेक न्यूज आती है वो ये है कि ऑनर का जो व्यू 20 स्मार्टफोन है वो जल्दी भारत में आने वाला है। 29 जनवरी को इसका लॉन्च है, लॉन्च इनवाइट्स बाहर आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा और भी अन्य इसी फोन से रिलेटेड न्यूज़ बाहर आ चुकी है। जैसे कि इसकी यूरोपियन प्राइसिंग जो है वो ऑलरेडी लीक हो चुकी है, वो प्राइसिंग जो है वो यूरो में है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको एक अनुमान दे सकता हूं कि रुपीज में इसका कितना दाम होगा। तो इस फोन का जो प्राइस है वो 6GB 128GB वर्जन के लिए 45,000 रुपीज है और 8GB 256GB वर्जन के लिए ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज के करीब करीब है। और इसके साथ ऑनर का जो ऑनर मैजिक बैंड करके है, ऑनर बैंड मैजिक करके उसका नाम है, वो भी कई कई दुकानों में फ्री मिलेगा। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्राइसेस जो है वो मैंने डायरेक्ट आपको यूरो से रुपीज में कन्वर्जन करके बता दिए। हो सकता है जो फाइनल प्राइसेस हैं वो थोड़े बहुत और ऊपर नीचे हो, डिपेंडिंग अपॉन कि हुआवे की स्ट्रैटेजी क्या है, ऑनर की स्ट्रैटेजी क्या है। बाकी मुझे अभी तो काफ़ी ज़बरदस्त प्राइसिंग लग रही है इसकी। और अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है लीक्स के बेसिस पे कि OnePlus 3 और OnePlus 3D जो कि काफ़ी पुराने फ़ोन्स हैं उनके लिए अभी एंड्रॉयड पाई का अपडेट जल्दी आने वाला है। ये लीक का सोर्स ये है कि Geekbench पे इनके बेंचमार्क स्पॉट किए गए हैं रनिंग द एंड्रॉयड पाई बिल्ड। और कई लोग ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है कि कस्टम बिल्ड हो, बट ऐसा नहीं है। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि जल्द ही OnePlus 3 और 3D को नया ऑक्सीजन OS का अपडेट मिलेगा जिससे कि ये फ़ोन्स बेटर हो जाएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबर यह है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 के 5 मॉडल्स कंफर्म हो चुके हैं, जैसे कि मैंने कल की न्यूज़ में बताया था। पर ये जो 5 मॉडल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अब बाहर आ चुकी है। सबसे सस्ता वाला मॉडल होगा S10 Lite जो कि 5.8 इंच की फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा, कर्व्ड नहीं होगी। 2 रियर कैमरा इसमें होंगे, एक फ्रंट कैमरा होगा और इसमें साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। वहीं जो S10 होगा वो 6.1 इंच की कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा, 2 रियर कैमरा, एक फ्रंट कैमरा और अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। यही चीज सेम होगी S10 प्लस में, उसमें बस 3 रियर कैमरा होंगे और 6.44 इंच की कर्व डिस्प्ले होगी और इन सब के अंदर ग्लास बैक होगा। पर जो S10 5G मॉडल होगा वो 6.7 इंच की कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा, 4 रियर कैमरास के साथ, 2 फ्रंट कैमरास के साथ और अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ। और ऐसे ही S10 बोल्ट जो है वो 6.7 इंच की कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा, 4 रियर कैमरा, 2 फ्रंट कैमरास और एक अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। ये जो दोनों S10 5G और S10 बोल्ट मॉडल्स होंगे इनके अंदर बैक पे सिरामिक डिजाइन होगा, मतलब एकदम ही प्रीमियम वाले होंगे, टॉप ऑफ द लाइन होंगे। पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार एक ही फोन के 5 वेरिएंट निकाल के अब जनता को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर S10 Lite की प्राइसिंग ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 से 30,000 के बीच में होगी तो शायद वो एक अच्छा रिकमेंड करने वाला फोन हो सकता है। बट इनकी जो स्ट्रैटेजी है इतने सारे अलग अलग वेरियंट्स की वो मुझे काफी अजीब सी लगती है। और यार 5G फोन निकाल रहे हैं तो मतलब मेरे हिसाब से एक फ्लैगशिप फ़ोन होना चाहिए था और एक सस्ता वाला फ़ोन होना चाहिए था, पर 5 अलग अलग मॉडल हैं तो ये काफ़ी मतलब पुश करने वाली बात हो गई। और ये फ़ोन्स काफ़ी महंगे होने वाले हैं, जो S10 बोल्ट और S10 5G है ये काफ़ी महंगे फ़ोन्स होने वाले हैं। समय बताएगा कि क्या इनकी प्राइसिंग भी iPhone XS और XS Max की तरह 1,00,000 प्लस को छू जाती है कि नहीं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अगली न्यूज़ जो है वो एप्पल के ही बारे में है। एप्पल का जो नया आईपैड मॉडल था 2018 का, कितने लोगों ने बताया कि उनका वो बेंट मॉडल निकल रहा था, उनका जो बॉक्स से निकलती वो मॉडल बेंट था। एप्पल ने अभी इस पर एक नया सपोर्ट आर्टिकल डाला है अपनी वेबसाइट पे और उन्होंने ऐसा चौड़ में कहा है कि भैया देखो ये जो हम आईपैड मॉडल बना रहे हैं एक बहुत ही फ्लैट वाले डिज़ाइन वाला है, एकदम ही फ्लैट वाला है, तो इसमें कुछ हद तक बेंट तो मतलब छोटी मोटी बात है उनके लिए। तो उन्होंने बोला 400 माइक्रॉन्स तक के जो बेंड है वो नॉर्मल चीज़ है, उस पर आपको कोई भी वारंटी या गारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट क्लेम नहीं कर सकते। पर 400 माइक्रॉन्स के ऊपर अगर हल्का सा भी बेंड आ रहा है तब उन्होंने कहा है कि भाई तब हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे। बाकी एक और चीज़ उनके फेवर में मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ही फ्लैट डिज़ाइन वाला आईपैड मॉडल है तो उसमें हल्का सा भी अगर ऊपर नीचे होता है तो अलग से दिखाई देता है।
पर ये मतलब जस्टिफाई करने वाली बात नहीं हुई। मेरे हिसाब से इनको ऐसा डिजाइन बनाना ही नहीं चाहिए था जिसमें इतना ज्यादा कलेश होने की संभावना हो। बाकी तो खैर अब देखो जनता बताएगी, समय बताएगा कि नया आईपैड जो मॉडल होगा उसमें ये चीज फिक्स होती है कि नहीं, जो 2019 का मॉडल होगा, और अभी ये लोग कितने लोगों के आईपैड मॉडल रिप्लेस करके देते हैं। अगली न्यूज जो है वो ये है कि Honor 10 Lite जो है वो जल्द ही भारत में आने वाला है। $300 के करीब इसका प्राइस होगा, यानी करीब करीब 20,000 से 21,000 के करीब इसका प्राइस होगा, शायद थोड़ा सस्ता ही हो। और इसके स्पेक्स ऑलमोस्ट वही Honor 8X वाले स्पेक्स हैं, मिड रेंज के ही लेवल का एक फोन होगा। बाकी अब आप पिक्चर्स देख सकते हैं इसके सारी की, देखने में कैसा है, डिजाइन वगैरह सही लग रहा है, मतलब उतना कोई चमत्कारी तो नहीं है। बाकी समय बताएगा और जब हमारे पास ये फोन आता है हम इसका रिव्यू करते हैं फुल, तब आपको इसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि क्या एक लेने लायक फोन है कि नहीं है। अगली न्यूज जो है वो ये है कि iPhone 7 और 8 को बैन कर दिया गया है जर्मनी में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि Qualcomm जो है उन्होंने काफी ज्यादा Apple को स्यू करा था पेटेंट्स के लिए कि Apple ने जो कुछ बैटरी सेविंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी थी वो Qualcomm की पर्सनल टेक्नोलॉजीज थी जिनको उन्होंने पेटेंट करवा रखा था Qualcomm ने, और Apple उस बात की रॉयल्टी नहीं दे रहा था। तो उसके जो खिलाफ है Qualcomm जीत चुका है वहां पे, तो उन्होंने अब मतलब बैन इशू करवा दिया है। अभी भी iPhone 7 और 8 बिक रहे हैं थर्ड पार्टी स्टोर्स में, पर ऑफिशियल Apple स्टोर में अब वहां पे मतलब एक वो हो गया है कि वो नहीं बेच सकते iPhone 7 और 8, और शायद से कुछ अन्य मॉडल्स की भी बिक्री पे इस पर प्रभाव आएगा। तो दोस्तों आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। अभी के लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला रिव्यू कर रहे हैं, यह है Asus का टफबुक गेमिंग FX505 मॉडल। इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इस पर काफ़ी सारे गेम्स खेल रहा हूँ। तो अगली वीडियो जो आएगी वो इसका फुल रिव्यू आएगा गेमिंग वगैरह के साथ, कि ये लैपटॉप कैसा है, लेने लायक है कि नहीं है, कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, और भी अन्य चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। और तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।